अच्छा है, VFX बहुत अच्छा है, क्लाइमेक्स तो बहुत ही अच्छा है। अक्षय कुमार, रजनीकांत, स्टॉर्म द नेशन, दोनों दोनों की बेटर है। रजनीकांत, अक्षय कुमार दोनों ने अच्छा किया। इट्स अ ग्रेट फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म है ये। यू शुड नॉट मिस दिस, एवरीवन शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म। शंकर सर हैज डन आउटडन हिमसेल्फ इन दिस फिल्म एंड विद द काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग ने जो ट्रेलर में देखा उससे बहुत अलग लेवल पर यह पिक्चर बनाया है। जैसे पिक्चर को तुम देखोगे तुमको समझ में आएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज इज देयर इन द फिल्म। अक्षय कुमार डज हिज रोल वेरी नाइसली एंड यू नो व्हेन अक्षय कुमार एंड रजनीकांत बोथ आर देयर ऑन द स्क्रीन इट्स मेहम, इट्स गॉन टू अ डिफरेंट लेवल एंड दिस फिल्म इटसेल्फ इज गोना आई डोंट नो क्रॉस अ लॉट ऑफ क्रोर्स आई होपफुली या बट इट डेफिनेटली विल क्रॉस अ लॉट ऑफ क्रोर्स। माना अक्षय कुमार इज अ वेरी वेल एक्टर, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट हम लोग तो हमारे लिए उनको टैलेंट बोलना बहुत छोटी बात है बट फिर भी बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। बट हम जब भी बचपन से जब भी हमारा मतलब ऐसे नहीं बोल सकता हूँ जब भी हमें ये पता चला कि सिनेमा क्या होती है तब से हम जो चीज़ को रजनीकांत को जैसे हम लोग देखते आ रहे तभी से हमको रजनीकांत एक लेवल तक है। अक्षय कुमार खुद रजनीकांत का काम करने के लिए उनको या उन्होंने ईगरली उन्होंने आए यहाँ पे तो ऑब्वियसली उनका तो अलग ही है लेवल है।